सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू सिम्बू के सपने। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक और नए दिन को शुरू करते हैं। मैं नहा वाली हूँ, रेडी हो गई हूँ, नन ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। तो चलिए अब हम क्लास चलते हैं, आइए मेरे साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लास आ चुकी हूँ, बहुत दिनों के बाद आई हूँ। तो क्लास आप लोगों को भी देखने का मन करता होगा, तो चलिए देख लीजिए। ये देखिए वही बिल्डिंग्स, आज कितने दिनों के बाद मैं इसे ब्लॉग में ले रही हूँ, है ना। और अभी तो ग्रीनरीज है नहीं, आप लोग देख सकते हैं बिल्डिंग पे से जहाँ छाया हुआ, नहीं तो वहाँ कितनी धूप हो रखी। तो चलिए क्लास कर लेते हैं, उसके बाद मैं मिलूँगी। ये देखिए मेरे क्लास के कुछ लोग भी आ चुके हैं, तो चलिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लास ख़त्म हो चुका है और मैं घर जा रही हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने मुंह पे कॉटन का कपड़ा बांधा है। आप लोग भी धूप में कॉटन का कपड़ा ज़रूर बांधिएगा। हो चुका है और मैं फिर एक बार रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं ट्यूशन जाऊँगी। तो चलिए ट्यूशन आप लोग को भी ले जाती हूँ। मेरा टंग स्लिप आजकल बहुत ज़्यादा कर रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे, पता नहीं क्यों। ठीक है तो चलिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ग्रीनरी देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्लास पहुंच चुकी हूँ। तो चलिए क्लास चलते हैं, एक सेकंड में अपना बैग ले लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे साथ आप लोग भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एकदम रेडी और तैयार मिल रही हूँ, क्योंकि मैं गई थी क्लास और क्लास से आके मैं अचानक रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आप लोग का जी नए मंदिर लेके चल रही हूँ। आप लोगों को कितने सारे मंदिर के दर्शन हो रहे हैं ना, तो इसलिए आप लोग लाइक करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक और नए मंदिर के लिए तरफ ले चलती हूँ और अपना आउटफिट आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स मैंने पहना है चिकनकारी का एक ब्लू कलर का कुर्ती विथ वाइट कलर का प्लाजो, और ये है मेरा पर्ल टाइप का इयर रिंग्स, और ये हाथ में वॉच। तो ये है मेरा OTD। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच चुके थे फ्रेंड्स, और मंदिर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। देखिए आप लोग, पूरे मंदिर में गोल्डन कलर की ये टाइल्स लगी हुई है, ऊपर में यहाँ साईं भगवान का फोटो है क्योंकि ये एक साईं मंदिर है। तो चलिए अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं, और ये देखिए यहाँ कैसे ग्रीनरीज लगी हुई थी। फिर हम लोग यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ भी ग्रीनरीज लगी थी। फिर हम लोग अंदर गए, अंदर में इतने सारे भक्तजन आके वेट कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए महाराज जी अपना वचन दे रहे हैं लोगों को, और एक जन यहाँ गाना गा रहे हैं, तो जो कि भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पूरा बैठने का व्यवस्था किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए हमारे श्री साई महाराज जी को बोलिए श्री साई बाबा की जय। तो यहाँ पे गणेश जी भी विराजमान थे। फिर मैं आपको यहाँ से देखिए, साइड से गैलरी था जहाँ से मैं निकली, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक एरिया था। यहाँ पे भी एक साई जी का यहाँ पे ऐसे बना हुआ था। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखिए। और यहाँ दो काउंटर था जहाँ से प्रसाद वगैरह वितरण होते हैं। उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, जहाँ पे उस तरफ में भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं वो आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आपको इधर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से जाके वहाँ पे जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे वहाँ का रास्ता। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो अंदर में जाके यहाँ पे देखिए साईं बाबा की एक तो ओम श्री राम साईं लिखा प्रतिमा है, और ओम साईं राम लिखा है सॉरी। और यहाँ पे साईं बाबा की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। फिर हम लोग अंदर गए, ये देखिए साईं भगवान की और एक फ़ोटो, और यहाँ पे साईं भगवान की पालकी रखी हुई है। देखिए कितने सुंदर सी पालकी है ना। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग गए, यहाँ पे पूजा होती है बहुत सारी। और यहाँ पे ये जो चिमनी है ये हमेशा जलती ही रहती है, क्योंकि याद है साईं भगवान ने जो खाना बनाया था उसकी आँच अभी तक जलती रहती है, वही आँच यहाँ पे भी दर्शाया गया है। यहाँ पे भी वैसे आँच को रखा गया है। तो आप लोग और जो आग आप लोगों ने देखा, ये आग वहाँ जहाँ साईं मंदिर ओरिजिनल है वहाँ से ला के लगाया गया है, ताकि वहाँ की कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे भी बनी रहे। और यहाँ से फिर मैं निकल के बाहर आ गई हूँ, और ये देखिए मैं बाहर जा रही हूँ। ये देखिए
यहाँ पे कितने सुंदर ये सनफ्लावर जैसे फ्लावर हो रखे थे, बट ये साइज़ में थोड़े छोटे छोटे थे। और ये रहा पूरा मंदिर, देख सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ा मंदिर था। और यहाँ से फिर निकल के मैं सेम रास्ते पे जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी, और यहाँ पे देखिए कुछ आंटी मम्मी लोग सब कोई खड़े थे। और इसके यहाँ पे ही तो शंकर भगवान का मंदिर एकदम अटैच। तो ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे कलश स्थापना की हुई है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग को मंदिर कैसा लगा। मैंने तो आपको मंदिर अच्छे से घुमाने की कोशिश की, आशा करती हूँ आपको मंदिर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स यहाँ पालकी निकाली जा रही थी भगवान की, ताकि भक्तजन उसको अपने कंधे पर लेके घुमा सके पालकी को। तो ये देखिए एक एक करके सभी ने घुमाया था, और फिर मैंने भी पालकी को घुमाया था। देखते रहिए आप लोग। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। तो यहाँ पे अगर किसी को पूजा चढ़ाना हो या फिर पूजा करवाना हो तो ये रहा लिस्ट, आप उस हिसाब से करा सकते हैं। मैंने आप लोग के लिए दे दिया। ये देखिए पंडित जी बैठ के हम लोग का पूजा करवा रहे थे। और ये रहा श्री साईं महाराज का चरण पादुका, आप लोग भी इसे नमन कर आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आंटी सब किसी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करवा रही थी। और ये देखिए सब किसी ने एक के बाद एक प्रसाद को ग्रहण किया। और यहाँ पे देखिए अनीता आंटी, रीमा आंटी सब लोग प्रसाद बांट रहे थे। तो एक दिन कोई रखवाता है, दूसरे दिन कोई और रखवाता है, हर थर्सडे करके ये चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए प्रसाद में हम लोग को मिला था इस तरीके का कुछ पीने के लिए, और ये शायद मेरे यहाँ से रसना या फिर कुछ था, तो जो भी है लेकिन बहुत अच्छा था प्रसाद। तो सब किसी का अच्छा होता है चाहे वो कुछ भी हो, है ना। तो आज प्रसाद रखवाया था रीमा आंटी ने और अनीता आंटी ने। तो देखिए फिर ये खिचड़ी प्रसाद हम लोग सब किसी को मिल रहा था एक के बाद एक। तो ये देखिए यहाँ पे था खिचड़ी, सब्जी, चटनी, खीर, बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आया खा के। अगर आ चुके हैं और मैं जाते समय आपको मम्मी का लुक दिखाना भूल गई थी, तो मैं आपको अभी लुक दिखा देती हूँ। मम्मी मम्मी इधर आओ, इधर आओ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मम्मी का लुक मैं आपको पूरा रिवील करती हूँ। ये देखिए मम्मी ने रेड कलर की साड़ी पहनी है और ये विथ रेड कलर का गोल्डन में ब्लाउज। तो मम्मी और मैं कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और मंदिर आप लोग को कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। हम लोग गए थे मंदिर, तो ये साईं बाबा का मंदिर था। तो जय श्री साईं। तो मिलते हैं इसी के संग एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सिमू के सपने। बाय बाय।